एक राजा ने एक बार सपना देखा कि उसके सारे सपने टूट गए हैं। तो स्वाभाविक रूप से राजा जानना चाहता था कि उसके अजीब सपने का क्या मतलब है। इसलिए उसने अपने सपने के अर्थ को समझने के लिए राज्य के दो सर्वश्रेष्ठ सलाहकार को बुलाया। पहले सलाहकार ने कहा कि इस सपने का मतलब है कि सभी शाही परिवार मर जाएंगे और वह बिल्कुल अकेला रह जाएगा। यह सुनकर राजा ने अपने पहरेदारों को आदेश दिया कि ऐसे भयानक समाचार के लिए पहले सलाहकार को दंडित किया जाए। दूसरा सलाहकार तेजतर्रार था और उसने पहले वाले के भाग्य को देखा था। उसने राजा से कहा कि स्वप्न का अर्थ है कि राजा राज परिवार से अधिक समय तक जीवित रहेगा। इस बारे में सुनकर राजा बहुत खुश हुआ और उसने दूसरे सलाहकार को उसकी सलाह के लिए सोने के सिक्के दिए। दूसरे सलाहकार की व्याख्या पहले आदमी से अलग नहीं थी। उनका मतलब वही था जो राजा को अकेला छोड़कर शाही परिवार को नष्ट कर देगा। लेकिन जहां राजा ने पहले सलाहकार को दंड दिया, वहीं दूसरे सलाहकार को सोने के सिक्के दिए गए। आप जीवन में देखते हैं, एक ही संदेश कई तरह से दिया जा सकता है। सही ढंग से संवाद करना सीखना आवश्यक है। यह हमेशा इस बारे में नहीं है कि आप क्या कहते हैं, बल्कि यह भी है कि आप इसे कैसे कहते हैं। दोस्तों, आशा है कि आपको कहानी पसंद आई होगी। आप कहानी के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय देकर बताएं।